हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन एंड बी सेफ। बट यू आर नॉट डूइंग योर वर्क। यू मस्ट बी डू योर वर्क एंड योर स्टडी रेगुलरली। ओके, इफ यू डोंट डू दिस देन यू विल फेस मेनी प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर। ओके, only some students have finished your work, but I hope all students do and finish your work. Okay, so next Sunday maximum students will sell your homework in each subject. Okay, now today's moral is: man himself is the creator of his destiny and luck. Okay, creator means nirmata. इंसान क्या होता है? अपनी डेस्टिनी का, अपनी लक का, अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। कैसे? मीन्स अगर आप प्रेजेंट टाइम में जैसा वर्क करोगे, फ्यूचर में आपको वैसे ही रिजल्ट मिलेगा। अगर आप आज, अगर फ्यूचर के पर्पज़ से अगर आज आप वर्क करते हो, हार्ड वर्क करोगे या किसी भी कोई भी काम लगन से करोगे, तो उसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में दिखाई देगा। दिस मीन्स आपका लक, जो फ्यूचर का जो डेस्टिनी होगी, आपका लक होगी वो प्रेजेंट पर डिपेंड होगी। ओके, आज आप फ्यूचर में अगर आप कुछ बनना चाहते हो, एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हो, तो आज आपको क्या करना होगा? आज आप उसी बेस पे आज आपको प्रिपेयर रहना होगा। सो यू क्रिएट योर डेस्टिनी एंड लक। In last turn, I told you about addition and subtraction, 5-digit numbers and 4-digit numbers. Okay, so today I will teach you addition and subtraction together. This means addition or subtraction साथ साथ में कैसे करेंगे हम, इस बारे में हम आज स्टडी करेंगे। ओके, नाउ फर्स्ट योर एक्सरसाइज 2.3। इन एक्सरसाइज 2.3, एडर एंड सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग 4-digit numbers. There are 4-digit numbers and some problems. First A, देखिए first में A जो है 3000 में हमें क्या ऐड करना है? 4000. After adding we subtract, क्या करते हैं हम? सब्ट्रैक्ट करते हैं किसको? 5000 को. ओके, आप एडिंग करने के बाद आपका जो आएगा उसमें हमें क्या करना है? 5000 को सब्ट्रैक्ट करना है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐड करते हैं इसको, इसे हम ऐड करेंगे 0 0 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 0 एंड 4 प्लस 3 इक्वल टू 7. ओके, अब हमें क्या करना है? 7000 में से माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है किसको? 5000 को. ओके, तो आप जानते हो ना, वन से वन करते हैं, टेन से टेंस एंड हंड्रेड से हंड्रेड एंड थाउजेंड से थाउजेंड हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो आप जीरो में से जीरो माइनस करोगे 0, 0 में से 0 माइनस करोगे 0 0 एंड 7 में से 5 माइनस करोगे 3. ओके, सो इट इज एडेड एंड सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग 4-digit नंबर्स. ये क्या है? ऐड करना है, फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना है इसको. ओके, नाउ नेक्स्ट, इसी तरह से आपको ये करना है लास्ट, इन लास्ट प्रॉब्लम 4. ओके, 4 प्लस 5 इक्वल टू 9, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, 0 प्लस 7 इक्वल टू 7 एंड 8 प्लस 1 इक्वल टू 9. ओके, अब हमें क्या करना है इसमें, जो आफ्टर एडिंग के बाद हमें जो रिजल्ट मिलता है उसमें हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है किसको? इसको, 4318. ओके, अब हम 9 में से 8 माइनस करेंगे 1, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5. ओके, सो ये आपका क्या हो गया रिजल्ट. इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे. नाउ से डू दिस सम इन योर नोटबुक. यदि इसे आपको क्या करना है, इसी प्रोसेस पे, जस्ट इसी बेस पर आपको क्या करना है, इसी तरह इसको सॉल्व करना है, इसको अपनी कॉपी में. ओके, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फर्स्टली हम इसको ऐड करेंगे, आफ्टर दैट क्या करेंगे? माइनस करेंगे. ओके, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. ई क्वेश्चन नंबर ई क्या है आपका? ई है आपका 2500,
प्लस 3500 माइनस 4000। ओके, हमें क्या करना है अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे आप जानते हो, फर्स्टली हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। ओके, इन दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो हम इसको इस तरह से यहाँ पे सॉल्यूशन डालेंगे, फिर 2500 प्लस क्या ऐड करना हमें 2500 में हमें 3500 को ऐड करना है। इसको ऐड कर लीजिए 0 0 5 5 10 0 1 कैरी 3 प्लस 2 5 एंड 1 6। ओके, 6 आफ्टर एडिंग वी फाइंड आउट दैट 6000। ओके, हमें क्या मिला 6000। अब हमें क्या करना है 6000 जो एडिंग के बाद जो मिलता है उसको हमें क्या करना माइनस करना है। ओके, अब हम क्या करेंगे इसमें इसको माइनस करेंगे 0 0 0 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। ओके, सो रिजल्ट क्या हो गया आपका आंसर 2000। दिस इज योर आंसर। ओके, 2000। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को इसी बेस पे सॉल्व करना है, इसी तरह से राइट अपनी कॉपी में इसी तरह से राइट करना, सॉल्यूशन डालना, उसके बाद इसको सॉल्व करना। ओके, कॉपी में आपको शो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए सारे उसी बेस पर हैं, सब आपको वैसे ही करने हैं। मैं एक और आपको नीचे सॉल्व करवाती हूँ। चलिए 5 डिजिट नंबर देखते हैं। एड एंड सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग 5 डिजिट नंबर। ओके, दे आर 4 डिजिट नंबर एंड दे आर 5 डिजिट नंबर। 5 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5। ओके, ये भी उसी बेस पर आपको करना है, सेम बेस। ओके, केवल क्या इसमें क्या डिफरेंस, केवल ये 4 डिजिट और ये 5 डिजिट का है और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सारा सेम प्रोसेस है आपका। इसमें 0 0 ऐड करेंगे 0 0 0 0 एंड 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। ओके, अब हम यहाँ पर हमें क्या मिला यहाँ पर 60000। 60000 में से हमें 50000 क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए माइनस का साइन है, माइनस का साइन में सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा 10000। इसी तरह से सॉल्व करना आपको। लास्ट क्वेश्चन देखिए आप, 5 प्लस 4 इक्वल टू 9, 7 प्लस 1 इक्वल टू 8, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, 4 प्लस 3 इक्वल टू 7, 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। हमें क्या करना है इन दोनों इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 9 माइनस 7 इक्वल टू 2, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2। ओके, इसी तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट इज डू दिस सम इन योर नोटबुक। इसे क्या करना है आपको, बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग आपको इसको कॉपी में राइट करके सॉल्व करना है। सो कौन सा सॉल्व करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर यच। ओके, क्वेश्चन नंबर एच, सेकेंड का क्वेश्चन नंबर एच, क्वेश्चन नंबर एच क्या आपका 5 6 2 7 5। दिस मीन्स 56275 प्लस 12,838 माइनस 33,122। अब हमें इसे सॉल्व करना, बिल्कुल आप इसी प्रोसेस पे आपको इसको करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सॉल्यूशन राइट करेंगे हम, फिर क्या करेंगे इन दोनों को राइट करके हम ऐड करेंगे 5 6 2 7 5। ओके, 1 2 8 3 8 5 प्लस 8 इक्वल टू 13। 13 में क्या राइट करेंगे यहाँ पे 3 और कैरी क्या होगा आप जानते हो 1। ओके, 7 प्लस 3 इक्वल टू 10। 10 में हम क्या राइट करेंगे 7 प्लस 3 इक्वल टू 10 में हमें क्या ऐड करना है 1 ऐड करना है कैरी। ओके, 10 प्लस 1 इक्वल टू 11।
11 में 1 ऐड करेंगे और कैरी क्या होगा आपका 1। ओके, अब 8 प्लस 2 इक्वल टू 10, 10 में हम 1 ऐड करेंगे 11, 11 में 1, अब 1 क्या हो जाएगा आपका कैरी। नाउ नेक्स्ट इज 5 प्लस 1 इक्वल टू 6 प्लस 2 ऐड करेंगे हम 8, 6 प्लस 2 इक्वल टू 8 में 1 ऐड करिए 9। ओके, 5 प्लस 1 इक्वल टू 6, सो ऐड करने के बाद आपको क्या मिला यहाँ पर 69,113। ओके, अब हमें क्या इसमें क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, किसको, इसको 33,122 को हमें क्या करना है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना। ओके, अब हम 3 में से 2 माइनस करिए 1, 1 में से 2 माइनस करेंगे 1 इज लेस देन 2, सो हम क्या करेंगे यहाँ से बारह लेंगे, अगर हम यहाँ से बारह लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 है, और यहाँ से बारह लेंगे 1 हम तो यही हो जाएगा 11। ओके, इसको कट कर दीजिए 11, 11 में से अब इस ये है 1, अगर ये दे दिए इसके पास कितना बचेगा 0। ओके, इसको कट कर दीजिए, अब 11 में से 2 माइनस करिए 9। ओके, 11 में से 2 माइनस करेंगे तो 9 हमें मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए 0, 0 में से 1 माइनस करेंगे, 0 इज लेस देन 1, सो 0 में से 1 माइनस होगा नहीं, तो क्या करेगा ये इससे 1 बारह लेगा, जब यहाँ पर 1 बारह देगा तो यहाँ पे ये 10 हो जाएगा, और यहाँ पर इसके पास कितना बचेगा 8। ओके, अब हम 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, और 8 में से 3 माइनस करेंगे 5, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3। ओके, सो दिस इज योर आंसर, आपको क्या आंसर मिला 35,991। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन डू इट दिस प्रॉब्लम्स। ओके, इस प्रॉब्लम्स को आप कर सकते हो। चलिए एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर आई। ओके, क्वेश्चन नंबर आई इज 4174 प्लस 27663 माइनस 39208। ओके, क्वेश्चन नंबर आई सेकेंड, हमें क्या करना है, फर्स्टली क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, आप जानते हो, सो यू यहाँ पर आप पहले सॉल्यूशन राइट करोगे, सॉल्यूशन के बाद आप क्वेश्चन राइट करोगे 41,274 27663 27663 41,274 and 27663, इसे हमें क्या करना है, क्या करना है, ऐड करना है, दिस इज साइन ऑफ एडिशन। ओके, सो 4 प्लस 3 इक्वल टू 7, 7 प्लस 6 इक्वल टू 13, 13 में वी राइट 3 एंड कैरी 1, 6 प्लस 2 इक्वल टू 8 में 1 ऐड करेंगे 9, 7 प्लस 1 इक्वल टू 8 एंड 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। ओके, हमें क्या करना है, इसको इसमें से 39,208 को सब्ट्रैक्ट करना है, 39,208, 7 में से 8 माइनस करेंगे, 7 इज लेस देन 8, सो हम क्या करेंगे, वी टेक बारो फ्रॉम 3। ओके, सो हियर इज 17 एंड हियर इज 2। ओके, 17 में से 8 माइनस करिए, क्या मिलेगा आपको, 17 में से 8 माइनस करेंगे 9। ओके, सो हियर इज 2, 2 में से 0 माइनस करेंगे 2, नाउ 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, 8 में से 9 माइनस करेंगे, 8 इज लेस देन 9, सो 8 में से 9 माइनस होगा नहीं, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, 6 से 1 बारह लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 18। ओके, हियर इज 5, यहाँ पर 5 होगा। ओके, अब 18 में से 9 माइनस करिए 9, एंड अब 5 में से 3 माइनस करेंगे 2। ओके, सो इट इज़ योर आंसर 29,700।
29. So according to this, you solve these exercise 2.3 in your copy. Okay. Now next is word problem. Next क्या है आपका word problem. Word problem exercise 2.4. इसे हमें सॉल्व करेंगे. इन एक्सरसाइज 2.4 द प्रॉब्लम इज इन इन स्टैंडर्ड मार्क्स स्कूल. ओके 1841 स्टूडेंट्स स्टडी इन द प्राइमरी सेक्शन एंड 2136 स्टूडेंट्स इन द सीनियर सेक्शन. हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडी इन द स्कूल्स. देखिए क्वेश्चंस रीड करने के बाद आपको समझ में आएगा क्या करना है इसको. 1841 स्टूडेंट स्टडी इन द प्राइमरी सेक्शन. दिस मीन्स कि 1841 स्टूडेंट प्राइमरी सेक्शन में स्टडी करते हैं एंड 2136 स्टूडेंट सीनियर सेक्शन में स्टडी करते हैं. ओके सो हाउ मेनी मीन्स कितना स्टूडेंट स्टडी इन द स्कूल. कितने स्टूडेंट्स इन स्कूल में स्टडी करते हैं. इसमें से जो सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं मैं आपको उसका पीडीएफ बना के दूंगी. उसे आप कॉपी पर राइट कर लोगे जिससे आपको क्वेश्चन समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो. ओके सो नाउ प्राइमरी सेक्शन हैज़ स्टूडेंट्स. प्राइमरी सेक्शन में कितने स्टूडेंट हैं. प्राइमरी सेक्शन हैज़ 1800